ये शानदार ट्रैक्टर दोस्तों बागवानी खेती के लिए देखिए जबरदस्त ट्रैक्टर आपके लिए हो जाएगा ये, क्योंकि बागवानी खेती के अंदर आपको एकदम ही मूवमेंट करना होता है। दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ नासिक महाराष्ट्र के अंदर। मैं किसान मेले के अंदर जा रहा था पूना, और यहाँ पर मुझे एक एजेंसी पर ट्रैक्टर मिला है, स्वराज टारगेट 630 4x4 ट्रैक्टर, जो दोस्तों किसान भाई मिनी ट्रैक्टर रखना चाहते हैं और छोटे किसान हैं, बागवानी की खेती करते हैं, बड़ा ट्रैक्टर लेने का उनका ब्योत नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों ये ट्रैक्टर स्वराज टारगेट 4x4 ट्रैक्टर बहुत ही शानदार हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये ट्रैक्टर स्वराज ने अभी हाल फिलहाल के अंदर ही कुछ समय पहले ये निकाला है। डिजाइनिंग की बात करते हैं तो इसके दोस्तों आगे से आप इसका डिजाइन देख सकते हैं, एकदम डायनेमिक इसका डिजाइन है, बहुत ही शानदार डिजाइन के साथ दोस्तों ये कंपनी ने ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। बात करते हैं दोस्तों, ये कंपनी ने 4x4 ट्रैक्टर को एकदम बना दिया है, देख सकते हैं आप इसके जो है टायरों की बात करूं तो दोस्तों टायर इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी वाले टायर दिए गए हैं, और एकदम बेहतरीन कंडीशन का ट्रैक्टर आपके सामने दोस्तों ये एक कंपनी ने बनाया है। दोस्तों इसमें बात करते हैं इसके फीचर्स और रिव्यू के, स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो दोस्तों ये फीचर्स के मामले में 630 कंपनी ने जो है 4x4 बनाया है ट्रैक्टर जो है, और 29 HP का ट्रैक्टर ये दोस्तों किसान भाइयों को ये उपलब्ध कराया है कंपनी ने जो है। दोस्तों ये ट्रैक्टर किसान भाइयों के लिए एक क्रांति लाएगा जो बागवानी खेती करते हैं, जैसे कि अंगूर की खेती है, आम की खेती है, या आपकी जो है अदरक की खेती आप करते हैं, हल्दी की खेती करते हैं, जो लाइनदार खेती होती हैं उन किसान भाइयों के लिए एक ट्रैक्टर बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। बागवानी खेती दोस्तों एक के लिए ये शानदार फीचर्स कंपनी ने बहुत ही शानदार इसमें फीचर दिए गए हैं। बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर के बारे में तो 29 HP का ट्रैक्टर है दोस्तों, कैटेगरी बहुत ही शानदार इसमें दी गई है, और दोस्तों 2800 रेटेड RPM इसके अंदर दोस्तों दिए गए हैं। दोस्तों इसमें ट्रांसमिशन गियरों की बात करते हैं तो दोस्तों 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर इसके अंदर दिए गए हैं, जिसमें किसान भाइयों ट्रैक्टर मूवमेंट में काफ़ी आसानी इसके अंदर दी गई है। हैंडल की बात कर लेते हैं तो इसमें मूवमेंट काफ़ी अच्छा है इसका जो है, और दोस्तों तेल में डूबे हुए इसके ब्रेक हैं, ब्रेक की बात करते हैं तो देख सकते हैं ये तेल में डूबे हुए इसके एकदम बेहतरीन वाले ब्रेक हैं, और बेहतरीन इसमें जो है दोस्तों ट्रैक्टर एकदम दिया गया है। आगे बात करता हूं दोस्तों इसमें स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं तो स्टीयरिंग दोस्तों काफ़ी अच्छा इसके अंदर देख सकते हैं आप दिया गया है टारगेट स्वराज के अंदर जो है। और दोस्तों इसकी कीमत लगभग बात करते हैं तो 5,35,000 रुपये लगभग भारत के अंदर इसकी कीमत को रखा गया है। अलग अलग राज्य के अंदर दोस्तों इसकी कीमत अलग अलग जगह है, तो लगभग 5,35,000 रुपये इसकी कीमत लगभग रखी गई है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, लगातार डीजल के दाम दिन रात बढ़ रहे हैं, जिसमें क्या किसान भाइयों को डीजल के मामले में बात करते हैं तो ये ट्रैक्टर जो है काफ़ी कम डीजल लेने वाला ट्रैक्टर है। तो इसके अंदर देख सकते हैं इसके अंदर टैंक आगे दिया गया है, और कम डीजल लेने वाला ट्रैक्टर है, क्योंकि जो है दोस्तों इसमें सब कुछ किसान भाइयों को ऐसा ट्रैक्टर तैयार करके स्वराज कंपनी ने दिया है जो एकदम ज़बरदस्त है। अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका देख सकते हैं खुलने वाला सिस्टम जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों आपके लिए हो सकता है। देख अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं इसके आगे से बम्पर के बारे में, तो देखिए बम्पर इसका बहुत ही अच्छे वेट के अंदर आगे दिया गया है, वेट लिफ्टिंग के मामले में बैटरा भी आगे इसमें दे दिया गया है, और जाली इसकी बेहतरीन दे दी है, यहां से क्या ट्रैक्टर में गंदगी नहीं आएगी बिल्कुल, और इसका बहुत ही सिस्टम सब कुछ बढ़िया लग रहा है। देखिए फिल्टर यहाँ से देख सकते हैं, सिस्टम ये बढ़िया है, ये यहाँ का पंपिंग सिस्टम है, और तेल में भिजे हुए इसके जो है ब्रेक हैं, और खुलना बहुत बेहतरीन आसान। देखिए ये आया और ऐसे सिस्टम ये बंद हो गया। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों मैं जो है इसमें एक चीज़ और दी गई है, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से स्प्रे जो करना है ना आपको, तो उससे यहाँ से मूवमेंट इसका कर सकते हैं, यहाँ से स्प्रे करने वाली जो मशीन होती है उसमें बहुत अच्छा आपके लिए ये रहेगा। और बैठकर मैं आपको इसका दिखाता हूँ एक बार, वेट लिफ्टिंग जो इसकी कुर्सी है इसमें देख सकते हैं, तो ये जो काफ़ी है, मोटा आदमी भी इसमें जो है आराम से चले बैठ सकता है,
इसमें काफ़ी लगभग काफ़ी दूर तक इसमें सिस्टम दिया गया है, दूर दूर तक खुला हुआ सिस्टम है। देखिए एकदम देख ही सकते हैं आप, काफ़ी खुला हुआ सिस्टम है इसके अंदर। गियरों की बात करता हूँ तो यहाँ से गियर लगाना बहुत आसान है और यहाँ से आसानी के साथ में इसे आप चला सकते हैं। देख ही सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिस्टम ये लगी रहा है, आप देख सकते हैं। और बात करता हूँ दोस्तों मैं इसका, जो है चार्जिंग सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया है, यहाँ से ये सिस्टम कर सकते हैं। और चलाने की प्रक्रिया दोस्तों ऐसी है, जैसे गाड़ी होती है हमारी चार पहिया वाली, तो वैसे ही इसके अंदर ये सिस्टम बिल्कुल बहुत मुझे ज़बरदस्त लगा बिल्कुल। और इसमें दो सिस्टम दिया गया, जैसे कि आप लोड पर नहीं हैं तो यहाँ से आप लोड को कम कर सकते हैं, और आप जैसे बाहर जा रहे हैं कहीं जो है तो लोड को कम कर सकते हैं। जिस टाइम लोड पर है तो आप उसे जो है मोड इसका चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्वराज टारगेट जो ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च किया है, ये बहुत ही शानदार ट्रैक्टर किसान भाइयों के लिए हो सकता है, बागवानी जो खेती करते हैं। अब दोस्तों इसकी लिफ्टिंग की बात करते हैं तो देख सकते हैं इसमें सब कुछ बहुत ही बेहतरीन वितरित दिया गया, जो बड़े ट्रैक्टर वाला सिस्टम होता है वही इसके अंदर दे दिया है। पीटीओ वगैरह बहुत ही शानदार दी गई है, डिजाइनिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है, इसे लेकर किसान भाई अपनी बागवानी खेती आसानी के साथ बेहतरीन कर सकता है। अब दोस्तों इसकी मैं आपको करके दिखाता हूँ स्टार्टिंग, कैसी इसकी स्टार्टिंग है देख सकते हैं। मैं इसका सेल्फ लगाता हूँ, सेल्फ किया है मैंने इसे जो है, और आवाज़ इसकी बहुत ही शानदार है और आराम से स्मूथ जो है ये इसकी जो है स्टार्टिंग एकदम जो है हो जाती है। अब मैंने इसका लगा दिया है बैक गियर, तो दोस्तों इसे देख सकते हैं आप। अब देखिए कि इस हैंडल इसका बहुत ही शानदार स्मूथ है। अब मैं इसका गियर चेंज करता हूँ, पहला गियर मैंने इसका लगा दिया है देख सकते हैं, और इसकी टाइमिंग देख सकते हैं कितनी शानदार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक्टर को मैं आप थोड़ा सा आगे आइए दिखा सकते हैं, मैं इसे आगे लेके चलूँगा देख सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या शानदार इसकी जो है एकदम, देख ही सकते हैं आप क्या शानदार तरीके से चल रहा है ट्रैक्टर, ये स्वराज टारगेट ट्रैक्टर, ये बहुत ही बागवानी खेती के लिए बहुत ही शानदार ट्रैक्टर कंपनी ने निकाला है। देख ही सकते हैं आप इसे किस तरीके से दोस्तों ये ट्रैक्टर चलता हुआ, देखिए ये ट्रैक्टर किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार हो सकता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही तरीके से, मैं पहली बार ट्रैक्टर को ड्राइविंग कर रहा हूँ, गाड़ी चला लेता हूँ लेकिन ट्रैक्टर में पहली बार मैंने आज चलाया है ट्रैक्टर, और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैक्टर को मैं चला पा रहा हूँ दोस्तों। मिनी ट्रैक्टर के मामले में बात करते हैं तो थोड़ी सी जगह के अंदर दोस्तों देख सकते हैं मैं इसे मोड़ सकता हूँ, देखिए एकदम जगह पर भी मैं इसे मोड़ सकता हूँ दोस्तों, जगह के अंदर भी ट्रैक्टर एकदम स्मूथली मुड़ रहा है, देख ही सकते हैं मेरे सामने आप। ये शानदार ट्रैक्टर दोस्तों बागवानी खेती के लिए देखिए ज़बरदस्त ट्रैक्टर आपके लिए हो जाएगा ये, क्योंकि बागवानी खेती के अंदर आपको एकदम ही मूवमेंट करना होता है और छोटी सी जगह के अंदर ये घूमना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देखिए ऐसे ट्रैक्टर को दोस्तों आप एकदम परचेज कर सकते हैं, देखिए जहां से मैं लेकर गया था वहीं पर लगातार ये मूवमेंट कर रहा है। देखिए ये ट्रैक्टर है दोस्तों स्वराज टारगेट 630, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर, हैंडल देख सकते हैं इसका बहुत ही शानदार स्मूथली है, हाथ छोड़कर मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ, पावर स्टीयरिंग इसके स्टीयरिंग इतना शानदार है, देखिए कोई और नहीं है इसके अंदर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ट्रैक्टर ये काम कर रहा है। और ट्रैक्टर की बात करता हूँ दोस्तों क्वालिटी के मामले में दोस्तों ये ट्रैक्टर बहुत ही शानदार है, ये शानदार ट्रैक्टर दोस्तों आप खरीद सकते हैं, बहुत ही गजब आपके लिए ट्रैक्टर हो सकता है ये। और दोस्तों मैं ट्रैक्टर को आपको इधर दूसरी तरफ लेके आता हूँ। दोस्तों कैसी रही आज की वीडियो, आपको मैंने ट्रैक्टर की पूरी जानकारी दी, कैसे ये काम करता है चलाकर भी मैंने आपको दिखाया, ट्रैक्टर की आवाज़ भी मैंने आपको दिखाई। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप आपके बजट के हिसाब से भी ये ट्रैक्टर बहुत ही शानदार होने वाला है, जो बड़े ट्रैक्टर की तरफ आप जाएंगे तो दोस्तों वो ट्रैक्टर काफ़ी कॉस्टली होने महंगा होने वाला है, ये ट्रैक्टर आपके लिए बहुत ही आपके बजट में आ जाएगा। इस ट्रैक्टर को लेकर आप अपनी बागवानी खेती के अंदर आसानी के साथ काम कर सकते हैं, जो आप किराया करना चाहते हैं तो आप बड़े ट्रैक्टर की तरफ जा सकते हैं, जो आप अपनी खेती करना चाहते हैं तो बागवानी खेती के अंदर जाना चाहते हैं तो आप इस ट्रैक्टर को लेकर काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, किराया भी कर सकते हैं। स्प्रे के मामले में बात करूं तो दोस्तों स्प्रे करने के लिए बागवानी खेती में
बहुत बेस्ट ट्रैक्टर आपके लिए साबित हो जाएगा। 29 HP का ट्रैक्टर है, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर आपके लिए हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।